सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी तुर्की पे, उस पर इतना जो आप लोगों ने प्यार दिया, हजारों से भी अधिक लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी जॉब बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद तुर्की में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें अधिकतर जो काम बताया वो होटल रेस्टोरेंट बताया, अधिकतर काम जो 10th और 12th के बाद आप करते हो तुर्की में होटल रेस्टोरेंट में होते हैं। तो भाई आप ये बताओ, कौन कौन से काम हम कर सकते हैं होटल रेस्टोरेंट में, अगर हमको जॉब करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाएगी हमको और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं तुर्की में, अगर हमको हमारा कोई जान पहचान का नहीं रहता है तुर्की में तो हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको जॉब बता देता हूं कि आप होटल रेस्टोरेंट में कौन कौन से काम कर सकते हो, फिर मैं आपको उस पर सैलरी बता दूंगा और फिर अप्लाई करने का भी तरीका बता दूंगा, और वीजा के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जो कि काफी जरूरी है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे। तो पहले आप जॉब सुन लो, फिर मैं आपको वीजा के लिए डॉक्यूमेंट बताता हूं जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो पहला जॉब है, आप वेटर का काम कर सकते हो, तो वेटर का काम हो जाए, जो कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वेटर का आप काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा काम है आप क्लीनिंग का, साफ सफाई का भी काम कर सकते हो, ये भी आपको आराम से मिल जाता है। तीसरा जॉब बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसमें और भी कई सारे काम बताए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके बाद जाकर के वो भी देख लेना क्योंकि वो वीडियो जरूरी है। इसके बाद मैंने उसमें कई सारी चीजें बताई हैं एक्स्ट्रा, अगर आपको सच में काम करना है तुर्की में तो वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा जो काम है वो है किचन हेल्पर का, आप काम कर सकते हो, जो कुक होते हैं उनके साथ में नॉर्मल हेल्पर का काम होता है जो कि आपको 10th के बाद ही 12th के बाद ही मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें चौथा काम जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम है, सिक्योरिटी गार्ड का भी आप काम कर सकते हो क्योंकि काफी अच्छा काम है, होटल रेस्टोरेंट में अधिकतर मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस पे आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 तुर्की लीरा से लेकर के लगभग 45,000 तुर्की लीरा तक आप मंथली इस पे अर्न कर सकते हो। ये आपके वर्किंग आवर के ऊपर डिपेंड करता है, जो 8 आवर काम करते हैं वो 20 to 30 तुर्की लीरा और 30 से 50 तुर्की लीरा 12 आवर तक वाले काम कर सकते हैं। और वीजा के लिए डॉक्यूमेंट बताएं तो आपका वैलिड पासपोर्ट हो गया, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन कॉपी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ और आपके फोटोग्राफ्स कलर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। इसके ऊपर डिटेल में चीजें देख लेना क्या क्या होता है, ठीक है। और आपका जॉब ऑफर लेटर की कॉपी भी। तो बस हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, डाउट कमेंट करो, अब जाकर 10th और 12th पास वाली वीडियो भी देखो। जय श्री राम।